हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिक्शनरी के बारे में सीखने वाले हैं। डिक्शनरी भी पाइथन के अंदर एक डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें हम बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे, किस तरीके से डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और उनके कुछ बेसिक मेथड्स, और किस तरीके से आप किसी भी डिक्शनरी के आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उनको मॉडिफाई यानी कि चेंज कर सकते हैं। डिक्शनरी को कॉपी कैसे करना है, डिक्शनरी के अंदर फॉर लूप कैसे रन कराना है, डिक्शनरी के अंदर मेंबरशिप कैसे वर्क करता है, इसके साथ ही साथ ऑल एंड एनी फंक्शन और डिक्शनरी कंप्रिहेंशन हम सीखेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक प्रोग्राम दिखाऊंगा जिसमें एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स आए हैं उनके फ्रिक्वेंसी यानी कि उनके काउंट को हम लोग प्रिंट करेंगे और उसका जो आउटपुट आएगा वो हम एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में रखेंगे। सो अगर हम डिक्शनरी की बात करें, देखिए डिक्शनरी भी एक तरीके का डेटा टाइप होता है जो कि आपके मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। बट ये जो भी चीजें स्टोर करता है वो कीज एंड वैल्यूज के पेयर में होते हैं। आपका एक एंटिटी की होगा और एक एंटिटी वैल्यू होगा, और जब भी आपको किसी भी आइटम को या वैल्यू को एक्सेस करना होता है तो हम की को यूज करते हैं। ये चीज हमें याद रखना है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, डिक्शनरी हमेशा म्यूटेबल होता है, मतलब आप इनके जो वैल्यूज हैं वो चेंज कर सकते हैं, बट ये अनऑर्डर्ड होते हैं। अनऑर्डर्ड इन द सेंस, अगर आपने एक डिक्शनरी क्रिएट किया है तो जिस ऑर्डर में आपने लिखा है मे बी उस ऑर्डर में वो स्टोर ना हो, आप प्रिंट आउट करोगे तो वो किसी दूसरे ऑर्डर में प्रिंट आउट होगा, तो ये अनऑर्डर्ड रहते हैं। अनइंडेक्स्ड होते हैं, मतलब आप इंडेक्सिंग करके चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते, बट हाँ की यूज करके आप चेंजेस कर सकते हैं, और की जो होने चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो भी डिक्शनरी हम लोग क्रिएट करते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहता है, और की कोलन वैल्यू कॉमा की टू कोलन वैल्यू टू इस फॉर्मेट के अंदर होते हैं। मतलब की एंड वैल्यू को सेपरेट किया जाता है कोलन से, और पर्टिकुलर ये की वन एंड वैल्यू वन को एक आइटम बोला जाता है, इस पूरे आइटम को सेपरेट किया जाता है कॉमा से। सो ये हमारा जुपिटर नोटबुक ओपन हो चुका है। अगर हमें किसी एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करना है तो हम लोग सबसे पहले वेरिएबल का नेम देते हैं एंड देन कर्ली ब्रेसेस। तो जब हम केवल कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं तो वो एक डिक्शनरी क्रिएट करता है। अगर मैं टाइप ऑफ ए चेक करूं तो आप देखिए ये मेरा डिक्शनरी होगा। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, जनरली ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सेट भी तो हो सकता है, क्योंकि तो सेट में भी कहीं ना कहीं आप कर्ली ब्रेसेस ही यूज करते हैं। इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस अगर आपने क्रिएट करके कुछ इसके अंदर इंटीजर डाला है तो इसका जो टाइप होगा ये सेट होगा। आप देखेंगे ये सेट होगा, तो आपको याद रखना है कि अगर एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए हम लोग ए अपना वेरिएबल का नेम देते हैं, सेट एंड पैरेंथेसिस देते हैं। सेट को क्रिएट करने के लिए जो कि एम्प्टी हो उसके लिए हम लोग सेट फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन केवल अगर कर्ली ब्रेसेस यूज किया हमने तो वो डिक्शनरी क्रिएट होता है। और एक तरीका भी होता है डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं डेट फंक्शन। डेट फंक्शन ये भी एक तरीका होता है एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का। आप देखो ये भी एम्प्टी डिक्शनरी है, तो आप चाहो तो केवल कर्ली ब्रेसेस से क्रिएट कर सकते हैं या फिर डेट पैरेंथेसिस फंक्शन यूज करके भी एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब हम बात करेंगे किस तरीके से एक ऐसे डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा जो की होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और जो वैल्यूज होंगे वो एक स्ट्रिंग होने वाले हैं। तो मैं अपने डिक्शनरी का नाम रख देता हूँ माई डेट, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू की में देना है तो मैं वन दूंगा और कोलन के बाद मैं वैल्यूज दूंगा, जैसे मैंने दिया राजेश, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। इसी तरीके से टू कोलन मैंने दिया राम, आप डबल कोट के अंदर भी वैल्यूज लिख सकते हैं अगर वो स्ट्रिंग में है। थ्री कोलन विवेक, ये मैंने डिक्शनरी लिया है जिसमें वन टू थ्री जो है वो कीज है, राजेश राम एंड विवेक जो है वो वैल्यूज है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट माई डेट, तो आप देखिए ये मेरा कहीं ना कहीं एक डिक्शनरी क्रिएट हुआ है जिसके अंदर वैल्यूज हमारे हमारे स्ट्रिंग है और जो हमारे कीज है वो इंटीजर्स है। अब इसी चीज को आप डेट फंक्शन से भी क्रिएट कर सकते हैं। डेट फंक्शन से अगर हमें क्रिएट करना है तो मैंने वेरिएबल नेम दिया एंड डेट फंक्शन क्रिएट कर लिया, और जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखा था उसी को मैं इस डेट फंक्शन के अंदर डाल दूंगा इस तरीके से। ये भी एक तरीका होता है डिक्शनरी क्रिएट करने का, आपको जो भी कंफर्टेबल है हम वो यूज कर सकते हैं, दोनों सेम टू सेम आपका डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से अगर हमें एक ऐसी डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसके अंदर कीज भी एक कैरेक्टर हो और वैल्यूज भी एक कैरेक्टर हो, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। इस बार मैंने क्या किया, वन की जगह पे मैंने कैपिटल ए दे दिया जो कि एक कैरेक्टर है, इसलिए मैंने सिंगल कोट के अंदर रखा है, और इसको मैंने बी रखा एंड इसको मैंने सी रखा। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट माई डिक्ट, तो ये एक ऐसी डिक्शनरी है जिसके अंदर कीज जो है वो एक कैरेक्टर है, ए बी एंड सी। इसी तरीके से अगर हमें मिक्स टाइप का बनाना है, मिक्स टाइप इन द सेंस कि हमारी जो कीज हो वो इंटीजर भी हो, फ्लोटिंग भी हो, स्ट्रिंग भी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
मैं इसी में चेंजेस करता हूँ। जैसे मैंने ए की जगह पे 1 कर दिया, बी रखा, एंड सी की जगह पे मैंने जो वैल्यू है वो 2 पॉइंट, जो की है मेरा 2.3 रख दिया। इसको भी अगर मैं प्रिंट करूँ तो देखिए ये इसमें हमारे जो कीज हैं, यानी कि जो पहले कीज जो है वो मिक्स टाइप का है, 1 है आपका स्ट्रिंग इंटीजर, बी जो है वो आपका स्ट्रिंग हो गया, एंड 2.3 जो है ये फ्लोटिंग वैल्यू, तो मिक्स टाइप के भी बना सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें इस डिक्शनरी का केवल की एक्सेस करना है, हमें की एक्सेस करना है, तो की एक्सेस करने के लिए हम लोग डिक्शनरी का नेम देंगे, डॉट देने के बाद कीज करेंगे, तो ये केवल कीज आपका प्रिंट करेगा। अगर मैं पैरेंथेसिस बनाऊं तो आप देखिए केवल कीज प्रिंट करेगा, 1, B एंड 2.3। लेकिन अगर यहीं पर मैंने वैल्यूज कर दिया एंड पैरेंथेसिस बना दिया तो ये केवल वैल्यूज प्रिंट करेगा। तो इन दो, अगर आपको कीज एक्सेस करना है तो कीज यूज करते हैं, और वैल्यूज यूज करना है तो वैल्यूज फंक्शन यूज करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो डिक्शनरी बना हो उसके अंदर जो वैल्यूज हो वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हो, जिसके अंदर आपका लिस्ट भी हो, टपल्स भी हो, अलग अलग डेटा टाइप्स के हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक तो स्ट्रिंग डालने देता हूँ, इसके अंदर मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने राम डाला एंड रोहन, ये मैंने लिस्ट क्रिएट किया। इसी तरीके से मैंने एक टपल भी यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। टपल के लिए हम लोग सर्कुलर ब्रैकेट यूज करेंगे, यानी कि पैरेंथेसिस। इसमें मैंने 4, 5 एंड 6 यूज किया, और एक मैं 5 नाम का की क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं सेट डाल रहा हूँ, तो 1, 3। अब अगर इसको मैं प्रिंट करूँ, प्रिंट माई डेट, तो ये भी देखिए ये मेरे इसके अंदर जो वैल्यूज है ना वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें से 1 के वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो 1 के वैल्यूज को एक्सेस करना है तो आप माई डिक्ट यानी कि डिक्शनरी का नेम देंगे एंड कीज देंगे। तो अगर न्यूमेरिकल की है तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे। अब अगर मैं प्रिंट करूँ तो देखिए राजेश हुआ है। अगर मेरा कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट के अंदर हम अपना कीज देंगे, तो देखिए ये मेरे बी के अंदर राम एंड रोहन आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मुझे 2.3 को एक्सेस करना है, 2.3 डाला मैंने तो मेरा ये टपल प्रिंट हो रहा है, 4, 5 एंड 6। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे कुछ एलिमेंट ऐड करने हैं, तो जैसे मुझे चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो 1 की जगह पे पहले राजेश था, मैं इसकी जगह पे प्रवीण रखना चाहता हूँ, प्रवीण। और वापस से अगर मैं माई डिक्ट को प्रिंट करूँ मॉडिफाई करने के बाद, तो आप देखिए पहले राजेश था, मॉडिफाई करने के बाद राजेश की जगह प्रवीण हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे ये जो लिस्ट है हमने राम और रोहन क्रिएट किया है, इसके अंदर मुझे कोई एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना है, रिमूव करना है, तो मैं अपना की बी दूंगा। बी देने के बाद आप देखिए मुझे, मैं जैसे मैंने बी डाला तो मैं वैल्यू को तो एक्सेस कर पा रहा हूँ। अब मुझे मुझे इसके अंदर ऐड करना है, अपेंड करना है, तो डॉट डॉट अपेंड, क्योंकि लिस्ट है ये मेरा, अपेंड के अंदर मैं डालूंगा 0 to Hero Club और मैं रन करता हूँ। तो आप देखिए मेरे लिस्ट के अंदर 0 to Hero जो है ऐड हो गया, अपेंड हो गया। अगर मुझे पूरे टपल को ही डिलीट करना है, जैसे मैं मुझे 2.3 पूरे टपल को ही डिलीट करना है, तो मैं डेल फंक्शन यूज कर सकता हूँ। ये देखिए इसने क्या किया, 2.3 यानी कि पूरे टपल वाले की एंड वैल्यूज को पूरी तरीके से इसने रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बट अभी तक तो मैंने आपको मॉडिफाई करना सिखाया है, अभी मैंने आपको इंसर्ट करना नहीं बताया कि आप किस तरीके से कोई नया एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पर अपना कोई भी की दे सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ इसको, मैं अभी कमेंट आउट कर रहा हूँ, इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, ये हो गया। अब मैं जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी दोबारा प्रिंट कर देता हूँ, एंड इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके अब जैसे मैं चाहता हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल कि मेरा ये जो डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी के अंदर मुझे एक नया की एंड वैल्यूज पेयर इंसर्ट करना है, तो सिंपल है, माई डिक्ट मैं अपनी डिक्शनरी का नेम लिखूंगा एंड अपनी की को दूंगा। जैसे मैंने मैंने 2 दिया की, ये मेरा की है, इसके बाद इक्वल टू के बाद मैंने वैल्यू डाल दिया न्यू वैल्यू, और वापस से मैं अगर प्रिंट करूँ माई डिक्ट को, तो ये देखिए ये मेरा 2 एंड न्यू वैल्यू जो है नया इंसर्ट हो गया, नया मेरा जो है वो इंसर्ट हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आपने एक बार कोई की यूज कर दिया है, अब मैं दोबारा अगर सेम की यूज करूंगा यानी कि डुप्लीकेट इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो देखिए क्या होने वाला है, 2, इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ न्यू न्यू एंड देन प्रिंट माई डेट। तो ये भी देखिए अगर मैंने दोबारा से वही की यूज करके इंसर्ट कराने की कोशिश किया ना, तो
तो वो नया की वैल्यू इंसर्ट नहीं करता, जबकि पुराने वाले को ही वो ओवरराइट कर देता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि जो की होने चाहिए वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मुझे कोई भी एलिमेंट अपडेट करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे अपडेट करना है पूरा का पूरा की एंड वैल्यूज को, तो एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया। दूसरा तरीका होता है कि आप जैसे एक वेरिएबल है, इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी बना देता हूँ, 1 11 colon 3 comma 12 colon 5। तो अगर एक डिक्शनरी हमारे पास पहले से है और एक डिक्शनरी हमने अभी ए क्रिएट किया, मैं चाहता हूँ कि ये जो ए डिक्शनरी है ये मेरे माई डेट के अंदर चला जाए। तो जब हम मल्टीपल वैल्यू को एक एक साथ में ही इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग अपडेट फंक्शन यूज करते हैं। तो माई डेट डॉट अपडेट एंड देन अपना वेरिएबल देंगे ए। अब अगर मैं प्रिंट करूँ माई डेट को, तो आप देखिए ये मेरा 11 और 12 जो कीज थे ये भी मेरे अपडेट हो मतलब इंसर्ट हो गए। तो इस तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे कोई भी एलिमेंट रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए हम लोग पॉप फंक्शन यूज करते हैं, जिस तरीके से हमने नॉर्मली पॉप फंक्शन यूज किया था बाकी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर भी हम पॉप फंक्शन यूज करेंगे। माई डेट डॉट पॉप, और पॉप के अंदर हम अपनी कीज को देंगे, जैसे मैं 11 कीज वाले को रिमूव करना चाहता हूँ एंड प्रिंट करेंगे माई डेट। अब देखिए 11 वाला जो था वो रिमूव हो गया। तो पॉप के अंदर आप अपनी कीज दे सकते हैं और वो उसी की एंड वैल्यूज पेयर को रिमूव कर देगा। एक तरीका और भी होता है डिलीट करने का, जैसे मैंने डेल यूज किया, डेल माई डेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना की रूपा, तो जैसे मैंने 12 दिया तो ये 12 को भी रिमूव कर देगा। अब देखो 12 को भी, और बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आप पॉप को भी प्रिंट करते हो, पॉप अगर आपने पॉप फंक्शन प्रिंट किया है तो ये रिटर्न करेगा कि आपने आपकी कौन सी वैल्यू रिमूव हुई है। तो पॉप में बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन डेल को अगर आप रिटर्न कराने की यानी कि प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो ये एरर थ्रो करेगा। जो डेल फंक्शन होता है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, बट पॉप जो होता है वो रिटर्न करता है कि कौन सी वैल्यू को आपने रिमूव किया है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे पूरी डिक्शनरी को ही रिमूव करना है, तो पूरी डिक्शनरी को रिमूव करने के लिए डेल एंड माई डेट यानी कि डिक्शनरी का जो वेरिएबल है, अब अगर मैं प्रिंट करूंगा माई डेट को तो ये एरर आने वाला है क्योंकि उस तरीके की कोई डिक्शनरी है ही नहीं, मैंने उसको डिलीट कर दिया है। तो अगर आपको कोई एलिमेंट वैल्यूज रिमूव करने हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपनी कीज को देंगे, लेकिन अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं किया है तो पूरी की पूरी डिक्शनरी आपकी रिमूव हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैंने माई डेट डॉट क्लियर फंक्शन यूज किया, क्लियर फंक्शन इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो अगर मैंने क्लियर फंक्शन यूज किया तो ये क्या करता है, ये एम्प्टी आपकी डिक्शनरी क्रिएट करता है, एम्प्टी डिक्शनरी आपका क्रिएट होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्लियर जो होता है वो सारे आइटम को डिलीट कर देता है, बट डिक्शनरी जो रहता है वो रहता है, एम्प्टी डिक्शनरी रहेगा, लेकिन डेल फंक्शन जो होता है वो पूरी की पूरी वैल्यूज के साथ में पूरी डिक्शनरी को ही रिमूव कर देता है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे पॉप हो गया, आपका अपडेट हो गया, एक्सेस कैसे करते हैं, क्लियर और डेल में डिफरेंस क्या है, ये कुछ चीजें हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं जब आप डिक्शनरी के अंदर वर्क करते हैं। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे किस तरीके से अपने डिक्शनरी को कॉपी करते हैं। सो ये मैंने एक सिंपल सी डिक्शनरी क्रिएट करी है, मैं चाहता हूँ कि इसी डिक्शनरी को मुझे कॉपी करना है और एक नई डिक्शनरी क्रिएट करनी है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि अगर मुझे फॉर एन एग्जाम्पल माई डिक्शनरी न्यू बनाना है, अगर मैं डायरेक्टली इस तरीके से यूज करूंगा तो कॉपी तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं माई डिक्शनरी न्यू के अंदर कोई चेंजेस करूंगा तो मेरे जो ओरिजिनल डिक्शनरी है उसमें भी चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेफरेंस होता है यानी कि जो आईडी होता है वो सेम होता है। मैं करके दिखाता हूँ, अगर मैंने इस तरीके से किया एंड माई डिक्शनरी के अंदर, माई डिक्शनरी न्यू के अंदर अगर मैं कोई भी चीज़ जैसे आईडी को मैं चेंज करता हूँ, इसकी जगह पे मैंने 200 लिख दिया, और अब मैं अगर प्रिंट करूंगा माई डिक्शनरी न्यू कॉमा माई डिक्शनरी, तो अब देखिए होने वाला क्या है, मैंने इस माई डिक्शनरी न्यू के अंदर आईडी को चेंज किया था 200, लेकिन वो ओरिजिनल को भी कहीं ना कहीं चेंज कर दिया है। तो ये चीज हम लोग जब करते हैं तो कॉपी आप ये चीज इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों का जो आईडी होता है, दोनों का जो रेफरेंस होता है, मेमोरी लोकेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, वो दोनों सेम रहते हैं। अगर मैं आईडी देखूं, आप देखिए इसको ब्रैकेट बंद करते हैं, दोनों का आईडी जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर मुझे कॉपी करना है तो हम कैसे करेंगे, हम कॉपी फंक्शन यूज करेंगे। तो मैं इसी चीज को वापस से कॉपी करता हूँ, या इसी चीज को मैं पहले जैसा करता हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पे डॉट कॉपी फंक्शन यूज कर लिया तो अब देखिए क्या होगा, अब डिक्शनरी दोनों की आईडी अलग अलग है, और जब आईडी अलग अलग रहेगी तो अगर आपने न्यू वाले डिक्शनरी में चेंजेस किया है तो वो पुराने वाले डिक्शनरी के अंदर चेंजेस नहीं करेगा, तो
पुराने वाले के अंदर 124 ही है, लेकिन नए वाले के अंदर 200 आ गए। तो जब भी आपको डिक्शनरी कॉपी करना होता है तो हम लोग डॉट कॉपी फंक्शन यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अपने एक डिक्शनरी के अंदर फॉर लूप लगाने वाले हैं, और फॉर लूप लगाकर हम लोग प्रिंट आउट करेंगे अपनी की एंड वैल्यूज को। तो मैंने ये एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया है, एंड फॉर लूप के लिए हम फॉर आई इन माई डेट यूज करेंगे, जो कि हमारे डिक्शनरी का नेम है। एंड देन प्रिंट के अंदर हम लोग करेंगे प्रिंट, यहाँ पर मुझे आई प्रिंट करना है, आई यानी कि की, फिर कॉमा देने के बाद मैं वैल्यू को भी प्रिंट करूंगा। तो माई डेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई दे दिया, तो माई डेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई का मतलब होता है ये वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, और केवल आई जो है वो की प्रिंट कर रहा है। तो अगर मैं रन करूँ तो आप देखिए ये मेरा की एंड वैल्यूज प्रिंट हो रहा है, इनके बीच में मैं एक कोलन भी दे देता हूँ इस तरीके से। तो देखिए ये मेरा एक तरीके से की एंड वैल्यूज प्रिंट हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि केवल हमें, फॉर एन एग्जाम्पल, केवल हमें वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। एंड इस बार मैं केवल माई डेट स्क्वायर ब्रैकेट आई को प्रिंट करूंगा। तो आप देखिए राज 124 198, ये केवल वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये देखिए। तो अगर आपने माई डेट आई यूज किया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर तो वो केवल वैल्यूज को प्रिंट करता है, लेकिन आपने अगर आई को प्रिंट किया तो वो कीज होता है। तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप लगा सकते हैं अपने डिक्शनरी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब अगर हमें अपने डिक्शनरी के अंदर मेंबरशिप फंक्शन लगाना है, तो मेंबरशिप यानी कि इन एंड नॉट इन, ये दो कीवर्ड्स यूज करेंगे हम लोग, कि जो नेम है, बेसिकली नेम जो है वो मेरे डिक्शनरी में अवेलेबल है कि नहीं है। तो आप हमेशा मेंबरशिप में कीज को चेक कर सकते हो, वैल्यूज को चेक नहीं कर सकते। जैसे मैंने नेम इन माई डेट यूज किया तो ये ट्रू आएगा, लेकिन अगर मैं राज को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा जो कि वैल्यूज है तो ये फॉल्स आएगा। जैसे मैंने डीओबी डाला तो डीओबी ट्रू आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे ऑल एंड एनी फंक्शन के बारे में। देखिए मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया है और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाला है जीरो, जो ईयर है वो मेरी वैल्यू है, जीरो जो है वो की है। देखिए ऑल फंक्शन ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब आपके सारे के सारे डिक्शनरी के अंदर जो कीज है वो ट्रू होने चाहिए। तो अगर मैं अभी माई डेट के केस में अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये फॉल्स आएगा, क्योंकि एक की ऐसा है जो जीरो है। तो हमेशा याद रखना है कि ऑल में सारे डिक्शनरी अगर ट्रू है, सारे कीज जो है डिक्शनरी के अगर ट्रू है तो ही ये ट्रू प्रिंट करेगा, लेकिन एनी के केस में अगर एक भी की ट्रू रहता है तो वो ट्रू प्रिंट करता है। हम चेक करते हैं, जैसे माई डेट डॉट ऑल कर देते हैं, माई डेट इसके अंदर हम लोग पास करेंगे माई डेट, तो आप देखिए फॉल्स आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जीरो डाला हुआ है मैंने। लेकिन अगर यही चीज मैं एनी के साथ में करूंगा तो ये ट्रू आने वाला है, क्योंकि एनी जो होता है वो चेक करता है कि कोई भी एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट ट्रू रहेगा तो ये ट्रू करेगा, लेकिन ऑल जो होता है सारे के सारे एलिमेंट ट्रू होने चाहिए तभी वो ट्रू प्रिंट करता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ से इस की को रिमूव कर दिया जिसमें जीरो था, तो ऑल का मेरा जो रिजल्ट होगा वो ट्रू आने लगेगा। आप देखो, तो ऑल एंड एनी फंक्शन इस तरीके से वर्क करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिक्शनरी कंप्रिहेंशन के बारे में। देखिए डिक्शनरी कंप्रिहेंशन से पहले मैं रेंज फंक्शन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। रेंज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जैसे आपका कोई भी जो वैल्यू आपने दिया है उस पूरे सिक्वेंस को प्रिंट करता है। तो अगर जैसे मैंने 10 यहाँ पे दिया और मैंने रन किया, तो ये 0 से 10 तक आपकी वैल्यूज को प्रिंट करेगा। कैसे प्रिंट करेगा, मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन रेंज और कोलन देने के बाद मैंने प्रिंट कर दिया आई को। तो अब देखिए ये 0 से लेकर 9 तक जाता है, जो 10 होता है वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 0 0 कॉमा 10 दे दिया, 0 कॉमा 10 जो होता है वो 0 जो यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू दे दिया, तो ये 0 से प्रिंट करेगा, ये भी वही काम करेगा। लेकिन अगर मैंने 1, अगर मैंने 3 दे दिया तो ये 3 से स्टार्ट करेगा, 3 से लेकर 9 तक। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये 0 से तो स्टार्ट करे, लेकिन एक एक साइज स्टेप करें, मतलब 1 0 के बाद 2 प्रिंट हो, फिर 4 प्रिंट हो, एक एक स्टेप करें, तो एक और कॉमा के बाद हम लोग 2 देते हैं। तो देखिए ये स्टेप कर रहा है, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 एंड देन 8। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जो स्टार्टिंग होता है वो स्टार्ट पॉइंट होता है, इंक्लूडेड रहता है, जो सेकंड पोजीशन होता है वो एंड पॉइंट होता है जो नॉट इंक्लूडेड रहता है, और उसके बाद कॉमा के बाद आप यूज करते हो वो आपका स्टेप साइज होता है। और रेंज फंक्शन के अंदर ये हम काम करते हैं, ध्यान देना है, कई बार कंफ्यूजन होता है स्लाइसिंग के अंदर। तो स्लाइसिंग में आप देखो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हो और आप कोलन यूज करते हो, कॉमा यूज नहीं करते हो, तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है। स्लाइसिंग के अंदर कॉलन यूज करते हो और रेंज फंक्शन के अंदर हम कॉमा यूज करते हैं। अब हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करना है इसी फॉर लूप एंड रेंज फंक्शन को यूज करके, इसी को हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी कंप्रिहेंशन। तो जैसे मैंने ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस दिया, आई कोलन आई मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब जो भी आई की वैल्यू होगा उसको हम डबल करना चाहते हैं, और फॉर आई इन रेंज 10 दे दिया। तो
तो 0 से लेकर 9 तक जितनी भी वैल्यू रहेगी उसको वो 2 2 से मल्टीप्लाई करके आपके सामने आउटपुट मिला देगा। आप देखो, और जो की रहेगा वो आई ही है, की हमारा आई ही है, लेकिन जो वैल्यूज है वो 2 2 मल्टीप्लाई हुए, तो 2 4 6 8 इस तरीके से हम लोग कंप्रिहेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसी में इफ कंडीशन लगाना है, मैं चाहता हूँ कि इफ इफ आई इज ग्रेटर देन 3, मैं 3 से ज्यादा लेके चलना चाहता हूँ, तो देखो केवल 4 5 6 7 और 8 एंड 9 इन्हीं का प्रिंट हो रहा है। अब अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि मुझे केवल इवन नंबर का चाहिए, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो ये इवन नंबर का, जो जो इवन नंबर वाले कीज होंगे यानी कि आईज होंगे वहीं पर ये कहीं ना कहीं की एन वैल्यूज क्रिएट करेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का सिंबल दे दिया, मतलब ये नॉट 0 यानी कि ऑड नंबर के लिए, तो 1 3 5 7 एंड 9 इनके लिए प्रिंट होगा। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लिस्ट कंप्रीहेंशन। लिस्ट कंप्रीहेंशन के अंदर एक चीज और मैं आपको बताऊंगा जो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। दो लिस्ट बनी हुई है, एक लिस्ट 1 है जिसको हम लोग की के नाम से बोल रहे हैं, इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 2 3, और एक मैंने वैल्यू का डिक्शनरी बनाया है जिसके अंदर ए बी कॉमा सी दिया हुआ है, ये मैंने वैल्यू बनाया हुआ है। अब मैं जैसे मेरा की एक अलग लिस्ट है, वैल्यू एक अलग लिस्ट है, मुझे इन दोनों को कहीं ना कहीं की एंड वैल्यूज के फॉर्मेट में लेकर आना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर के कोलन वी करेंगे, फॉर फॉर पैरेंथेसिस के अंदर के कॉमा वी इन इन हम लोग यूज करेंगे जिप ऑफ कीज कॉमा वैल्यूज। तो ये क्या करता है, दो अलग अलग लिस्ट को डिक्शनरी को क्रिएट करने में वर्क करता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक ऐसा स्ट्रिंग लेंगे जैसे स्ट्रिंग के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होंगे, और उस स्ट्रिंग को हमें डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, और जितने भी कैरेक्टर्स जितनी बार आए हैं उनकी वैल्यूज को हमें प्रिंट करना है। तो अभी मैंने जैसे स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग नेम से एक स्ट्रिंग लिया है जिसके अंदर मैंने ए बी 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 ई एफ सी डी डी ई ऐसे कई सारी चीजें इसके अंदर लिख दिया। अब ये मान लेते हैं ये मेरा स्ट्रिंग है। ओके, तो देखिए इस स्ट्रिंग के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो स्पेसेस नहीं है बिल्कुल, तो हमें सबसे पहले स्पेस लाना होगा, और स्पेस के लिए मैं एक नया स्ट्रिंग बना लेता हूँ। माई स्ट्रिंग इक्वल टू कोलन के बाद मैंने स्पेस दिया डॉट ज्वाइन, ज्वाइन फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, एंड माई एस टी आर यूज कर लिया। लेट्स सी ये इसके अंदर लेता है कि नहीं लेता है। तो या अब आप देख सकते हो कि जो लेटर्स थे उन लेटर्स के बीच में कहीं ना कहीं स्पेसेस आ गया है। अब इन स्पेसेस को मुझे अलग, मतलब इन स्पेसेस से मुझे इनको स्प्लिट करना है, यानी कि इनको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैं माई एस टी आर डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज करूंगा, एंड इनके बीच के अंदर मैंने स्पेस दे दिया। बेसिकली स्पेस से हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, और जो भी हम स्प्लिट कर रहे हैं वो एक लिस्ट में आएगा। तो मैं लिस्ट 1 में स्टोर करा देता हूँ, और लिस्ट 1 को मैं प्रिंट आउट करता हूँ। तो देखिए ये मेरे सारे लेटर्स जो हैं एक एक लिस्ट के अंदर आ चुके हैं, मतलब लिस्ट के अंदर आ गए हैं, और हर एक जो कैरेक्टर है वो एक एक एलिमेंट है लिस्ट का। अब इस लिस्ट के अंदर आप ध्यान से देखो तो मल्टीपल्स, ए जो है मल्टीपल्स है, बी मल्टीपल्स है, सी मल्टीपल्स है, तो मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसके अंदर ए यूनिक हो, मतलब यूनिक ही केवल एक एक बार हो। तो जाहिर सी बात है मुझे इसको सेट में कन्वर्ट करना होगा। तो सेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं फॉर एन एग्जाम्पल एक सेट 1 नाम से एक पहले सेट क्रिएट करता हूँ इस तरीके से लिस्ट 1। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो भी मेरा लिस्ट में डुप्लीकेट्स थे उनको एक ही बार लेगा, ए बी सी डी ई है, तो डुप्लीकेट्स थे उनको एक बार कर दिया। लेकिन हमें इस सेट को दोबारा से लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये मेरा फाइनल लिस्ट 2 नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और इस सेट को भी मैं कहीं ना कहीं लिस्ट में बना देता हूँ। तो ये मेरा यूनिक एलिमेंट का लिस्ट बन गया। तो ये कहीं ना कहीं हमने हमने बेसिकली क्या किया, हमने पहले स्पेसेस दिए स्ट्रिंग में, उनको अलग अलग स्प्लिट किया, फिर एक लिस्ट बनाया, फिर लिस्ट में से यूनिक वैल्यू का लिस्ट बनाया। लिस्ट 2 मेरा यूनिक वैल्यू का लिस्ट है, और लिस्ट 1 जो है इसमें टोटल जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे हैं। तो अब मेरा दो लिस्ट बन चुके हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब मुझे अगर इनको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, तो देखिए डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे दो लूप रन कराना होगा। तो फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ, लेंथ फंक्शन हम लोग लेंथ के लिए यूज करते हैं, तो मुझे आई लूप को चलाना है लिस्ट 2 के लेंथ के बराबर। और इनसे पहले मैं एक काउंट बना लेता हूँ, मतलब एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ, काउंट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। इसके अंदर मैंने 0 एलिमेंट डाला हुआ है, और इस 0 एलिमेंट को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेंथ ऑफ लिस्ट
लिस्ट 2 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और एक डिक्शनरी भी हम बना लेते हैं। जैसे ये फाइनल फाइनल डिक्शनरी मेरा है, फाइनल डिक्शनरी को मैं एम्प्टी करता हूँ, तो इसको मैं डेक्ट फंक्शन से यूज कर लेता हूँ। डेक्ट फंक्शन, तो मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाया फाइनल के नेम से, और एक काउंट लिस्ट बनाया जिसके जिसका लेंथ मेरा सेकेंड वाले लिस्ट के बराबर है, और हर एक एलिमेंट मतलब अभी मैंने 0 दिया हुआ, बाद में मैं इनके अंदर वैल्यू डालूंगा। तो ये मैंने फॉर लूप आई का चलाया जो कि लेंथ ऑफ लिस्ट 2 के बराबर चलेगा, और इसी के अंदर मैंने जे का एक जे वैल्यू लेकर मैंने दूसरा फॉर लूप रन कराया। इसके अंदर मैं लेंथ लूंगा मेरा जो ओरिजिनल लिस्ट है वो, तो लिस्ट ऑफ 1 रन करेंगे। ये किया मैंने, तो 2 मैंने फॉर लूप रन करा। इसके अंदर मुझे इफ कंडीशन रन कराना है, इफ लिस्ट ऑफ लिस्ट 2 का कोई भी एलिमेंट अगर मेरा इक्वल टू है, लिस्ट 2 का कोई भी एलिमेंट इक्वल टू है लिस्ट 1 के एलिमेंट के बराबर। तो बेसिकली हम लोग इन दोनों लिस्ट को कंपेयर कर रहे हैं कि लिस्ट 2 का एलिमेंट अगर लिस्ट 1 से बराबर है तो हमें काउंट की वैल्यू को, मतलब काउंट की जो भी हमारी वैल्यू होगी काउंट आई, उसको हमें इंक्रीज कर देना है। तो प्लस इक्वल टू 1 1 1 इंक्रीज करना है। तो और ये हम लोग काम किस में कर रहे हैं, लिस्ट के अंदर कर रहे हैं, तो मतलब लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट के काउंट को, जो काउंट लिस्ट बनाया मैंने उसके एलिमेंट के काउंट को 1 इंक्रीज करा, इसलिए मैंने काउंट ये लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे हैं। जब हमारी ये चीजें हो जाएंगी तो हमें एक डिक्शनरी में भी ये चीज अपडेट करना होगा, तो डिक्शनरी के अंदर अगर मुझे अपडेट करना है तो देखिए आई तो कहीं ना कहीं मेरा डिक्शनरी का की हो जाएगा, लेकिन इनके वैल्यू कैसे इंडिकेट करेंगे, फाइनल जो मेरी लिस्ट है इसके अंदर मुझे डालना होगा, मुझे मेरा जो लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 का जो भी आई मतलब एलिमेंट है वो मेरा इक्वल टू रहना चाहिए काउंट ऑफ आई। तो बेसिकली मैंने वैल्यूज के लिए ये काम किया है, तो फाइनल जो डिक्शनरी बन रहा है उसके वैल्यू के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं इसको प्रिंट आउट करूंगा, प्रिंट फाइनल। ये देखिए, तो ये बेसिकली क्या क्या, इसने ई को मतलब ई लेटर 3 बार आया है, सी जो है वो 1 बार आया है, ए जो है 4 बार आया है, एफ 1 बार आया है, बी जो है 3 टाइम्स आया है, एंड डी जो है 3 टाइम्स आया है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंसी फाइंड करना। अब यही काम अगर हमें दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि एक प्रॉपर स्ट्रिंग लिखा होगा जिसमें पूरा प्रॉपरली सब कुछ अलग अलग वर्ड्स लिखे होंगे, हमें पहचानना है कौन कौन से वर्ड्स डुप्लीकेट्स आए हैं और वो आए हैं तो कितनी बार आए, अगर 1 बार से ज्यादा है तो उनको हमको जो की लेना होगा वो पर्टिकुलर वर्ड लेना होगा, और जो वैल्यूज होंगे वो उनके काउंट्स होंगे। तो वो भी हम लोग सेम इसी तरीके से करेंगे, उसमें बस हम लोग को ये 2 स्टेप हटाना पड़ेगा, मतलब हमें जॉइंस लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके अंदर स्पेसेस होंगे अगर वो वर्ड्स हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड फ्रिक्वेंसी को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना।